यदि आप रीवा जिले के निवासी हैं या फिर जिले के बाहर के निवासी हैं, यदि आप अपना माल वाहन लेकर जिले के अंदर प्रवेश करते हैं तो हो जाइए सावधान। आपसे बाजार बैठकी के नाम पर ठेकेदार द्वारा 10 रुपए या 20 रुपए की जगह लूटे जा सकते हैं 100 रुपए से 500 रुपए तक। नगर निगम के अंदर नगर निगम में प्रवेश करने वाले ऑटो रिक्शा हो या मालवाहक वाहन या फिर नगर निगम में ठेला सहित छोटे मोटे सब्जी फल के विक्रेता हो, सभी से बैठने खड़े होने सहित किसी भी तरह का व्यापार करने पर नगर निगम की ओर से टैक्स लिया जाता है। लेकिन इस टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम से टेंडर होता है और टेंडर के पश्चात निर्धारित मूल्य की पर्ची कटती है। लेकिन रीवा नगर निगम के अंदर इस टैक्स वसूली के नाम पर ठेकेदारों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी और साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि नगर निगम के अंदर प्रवेश करने वाले वाहनों सहित ठेला इत्यादि से निर्धारित मूल्य की जगह उससे अधिक की राशि वसूली जा रही है। कई बार आम जनता द्वारा इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन वसूली है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला हाल ही में आया है, जहां पर शहर के अंदर घुसने पर माल वाहक से निर्धारित मूल्य से अधिक की पर्ची दी गई है। इसके अतिरिक्त शहर के भीतर भी निर्धारित मूल्य से अधिक की वसूली की जा रही है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा ठेकेदार का एक बार ठेका भी निरस्त किया जा चुका है। उसके बाद भी नए टेंडर होने के बाद नए ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आखिरकार इस वसूली के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ठेकेदार बस जिम्मेदार है या फिर इस पर अधिकारी स्वयं की मिलजुल कर आपसी साठ गांठ से अवैध वसूली का धंधा चला रहे हैं? क्योंकि कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को दी गई, लेकिन उनके द्वारा किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। आखिर कार्यवाही ना करना सवालिया निशान पैदा कर रहा है। आखिर किसके संरक्षण में खुलेआम जनता को लूटा जा रहा है? बाहर से आने वाले वाहनों से खुलेआम अवैध तरीके से लूट की जा रही है। इसी संबंध में पहले भी नगर निगम द्वारा ठेका निरस्त किया गया था, लेकिन फिर से यथास्थिति निर्मित होना रीवा के जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।